जाएगा स्लो स्लो रास्ते में फिसल जाएगा। हाँ हाँ, क्योंकि ये वजह तो बस्ती वाला मार देते हैं। हाँ, उससे पहले भी ये लोगों को थोड़ा सा तीन महीना पहले वो एक पाइथन था। इधर आइए आप, इधर देखिए, वो कम से कम 3-4 फुट का पाइथन। बाबू को बुला, बुला ना, बुला और दिखाएंगे, बुला के आगे। इसमें तो बिजली का ये है, नंगा तार है आगे। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा रखिएगा। ये बिल्कुल बच्चा ही है। बच्चा है? हाँ सर। हाँ, एकदम बिल्कुल बच्चा ही होगा, छोटा है, लेकिन तभी तो थोड़ा लंबा है। ये 4 फीट के आसपास होगा। 4 से 5 फुट के बीच में। केचप आए हैं सर, पकड़ रहे हैं, देखना चाहेंगे। थोड़ा सा है चंदन के निकल कर कुछ पकड़ लीजिए। थोड़ा सा इलेक्ट्रिक अच्छा शहर में वो देख मुँह पकड़ लिया ना। हाँ, तो उसको एक्चुअली वो लपट जाएगा। अरे रेड़ के लो, उसको सीधा करा भी कुछ नहीं है। उसको यही कि उसने लपटने की कोशिश की, उसको मुंह बचा के रखना, मुंह बचा के रखना है। इधर ले आई ना थोड़ा, लाइट में ले आई, सीधे रास्ते में निकल इधर आ जाए। तो फिर नहा के ले गई। अरे गाड़ी निकलते थी। अरे हटो, इधर ले आई थोड़ा सा, मूवी बना लो पुरानी। बहुत बड़ा सुंदर साफ है। अब इसको क्या करेंगे? आप लोग क्यों रखेंगे जू में? नो मैम, इसको रिलीज कर देंगे फॉरेस्ट में, जंगल में। ऐसे जंगल में से आगे होगा लगता है। ये मैम यहाँ पे उससे पहले भी एक था यहाँ पे, उसको भी छुड़वाए। एक मेन रोड से भी पकड़े थे। एक्चुअली क्या ना, आ जाते हैं तो ये रोड में तो मारा जाएगा। हाँ, ये तो बस्ती वाला जाएगा तो बस्ती वाला मार देंगे, इसका कोई रास्ता नहीं। तो ये ऐसे भटक के आ जाते होंगे। हाँ हाँ, ये चूहा मेढक खाने, ओ ये शिकार पे निकलते हैं रात में ज्यादा। तो थोड़ी हूँ मैं, इतना तो थोड़ी आ जाए। नहीं, ये बहुत लेजी सांप है, बट झपट्टा बहुत जोर से मारता है। ये ये अपने ताकत से शिकार को मारता और शिकार नहीं, नहीं।, नहीं। ये अभी भी कुछ खा रखा है ना वाले में, उसके जीभ भी अलग हो। नहीं, ये पाइथन है। हाँ, ये पाइथन है, अजगर इंडियन रॉक पाइथन इसका पूरा नाम। बहुत भारी होते, सुंदर है लेकिन, और क्रीपी भी। एक फोटो ले लीजिए ना सर सामने से, बस हो गया। वीडियो कितना कट रहा है बेचारा, तो जाने दो, जंगल में अपना घर जाएगा। अरे भैया, आगे क्या लगा? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ।
हमारे पास में भेजो थोड़ा सा वो बोरा देख सकते आप सर्च किया तो आपका ही नंबर मिला उसमें। आंखें देखो उसकी कितनी सुंदर है। नहीं नहीं जाएगा उसके सामने, मुझे टेढ़ा होके दौड़ना चाहिए। नो 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 ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे क्यों जाना है? आराम से आराम से नहीं अच्छा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सिविल है आप? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अच्छा यहाँ का जो रेंजर है सरायकेला, मैंने उससे बात किया था, थोड़ा सा उससे बात कर लीजिए। हेलो एवरीवन, मैं चंदन पाठक आया हूँ अभी फिर से जंगल में एक इंडियन रॉक पाइथन जिसे अजगर सांप बोलते हैं उसे फॉरेस्ट में रिलीज करने। मैं बता दूँ ये सांप मैं CRPF कैंप से रेस्क्यू किया था, तो उसे मैं अभी फॉरेस्ट में रिलीज करने आया हूँ। आप देख सकते हैं ये सुंदर सांप इंडियन रॉक पाइथन जो कि नॉन वेनमस स्नेक है, और इसके जैसा हूबहू एक सैंड बोआ स्नेक होता है और एक रसल वाइपर होता है। तो सैंड बोआ स्नेक जो कि नॉन वेनमस है और रसल वाइपर जो कि वेनमस स्नेक है, और ये इंडियन रॉक पाइथन जो कि बिल्कुल भी जहरीला नहीं है, ये अपने ताकत से अपने शिकार को जकड़ लेता है और शिकार के मरने के बाद ये धीरे धीरे उसके मुंह साइड से निगलता है। और ये भारत का सबसे विशालकाय सांप है, ये बहुत ही शक्तिशाली सांप है, और इसे हम प्राकृतिक परिवेश में रिलीज कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये आगे की ज़िंदगी अपने बहुत अच्छे से जिएगा।